नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जय श्री कृष्ण शरण नमः, श्रीमद् भागवत महापुराण नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, श्रीमद् भागवत महापुराण नमः, महर्षि वेदव्यास जी नमः, भगवान सुखदेव महाराज जी नमः, राजा परीक्षित जी नमः, गौरी महाराज जी नमः, कपिलप्रस्थ नमः, तुलसी माता नमः, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्याधरिणं तमेव तमेव समं मम देव देव। श्रीमद्भागवत महापुराण के नवम स्कंद में कौशल्या जी का भगवान से शिशु रूप धारण करने का अनुरोध। कौशल्या माता जी को दर्शन हुआ है, मेरे लिए प्रकट हुए, कैसा सुंदर स्वरूप भगवान का। कौशल्या माने का, भगवान ये आपका चतुर्भुज स्वरूप अति सुंदर है, किंतु लोगों को शंका होगी कि इतना बड़ा चार हाथ वाला बालक कैसे हो सकता है। मेरे लिए बालक हो जाओ, मुझे मामा कहो, मेरे पीछे पीछे चलो, मधुर बाल लीला करो, हे भगवान मेरे लिए पूरे सहज बन जाओ। भगवान ने माता जी को अपने स्वरूप का भान कराया है, चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान हुआ है, दो हाथ वाला बालक श्री राम लला का प्राकट्य हुआ है। कौशल्या माँ ने बालक श्री राम को गोद में उठाया, एक एक अंग को प्रेम से निहारती है, चरण कमल, कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, दिव्य सुगंध आती है, राम की आंख अति सुंदर है, मेरे राम को किसी की दृष्टि न लगे, यह मार्कंडे आयु लंबी आयु वाला हो। नारायण 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 कीर्तन करती प्रभु को मनाती है। भगवान चतुर्भुज विष्णु भगवान ही, नारायण ही भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और कौशल्या माँ धन्य होती है, महाराज दशरथ धन्य होते हैं। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रौषध शांति, वनस्पत शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि शांति, ओम शांति शांति शांति, शांति।